कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कई बड़े घबरा गए थे बीच में, घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं। बदले को शेर का तो मैं शिकारी हूं, इस पर मोर लगाएं। और तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली कभी आएगी भी नहीं। जो अगली ट्रेन बना रहे हैं स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन डेवलप हो रही है। हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे। किश्ती आ गई, अब पहुंच गई और वो ड्रिलिंग शुरू कर रही है। लग तो रहा है गैस है, लेकिन हो सकता है गैस लीक कर गई हो, तो हमें पता नहीं कि लीक किया या वहां है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि इमरान खान की सरकार आपको कैसी लगती है, इस पर पाकिस्तान के लोगों ने कैसे मजेदार जवाब दिए, चलो देखते हैं। ये दुनिया का वाहिद एंटीक पीस है जो मां ने जना है, ये भीख मांगने से शुरू हुआ था, अब भी भीख मांग रहा है, इंशाल्लाह ताला मरते दम तक। मुझे पूरा यकीन है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे इसकी रूह कब्ज करने, ये उनसे भी भीख मांगेगा, ये मेरा पूरा यकीन है। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से भी ये भीख मांगेगा। जी जी, उसका तजर्बा है, मुझे पूरा यकीन है जब ये पैदा हुआ था इसने डॉक्टर से भीख मांगी होगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इसने अवाम को भी इसी काम पे लगा दिया है। कोई भी काम करना भीख मांगना शुरू हो जाओ। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने, मैं आपकी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने, इससे कभी घबराना नहीं है, इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। एक हुकूमत कह रही है हमारे पास पीछे से टमाटर नहीं है, क्या करें हम? एक टमाटर नहीं है बस, गंदम भी नहीं है, शकर भी नहीं है, आटा भी नहीं है, टीचर फ्रेंड हैज गॉन वेयर। सबसे पहले घबराना नहीं। हाल ये है कि सब्जी लो 200 रुपए लगता है, दाल लो 200 रुपए लगता है, सुना जी, एक टाइम का होता है, जिसके 6 बच्चे हो, 2 मियां बीवी हो, वो एक टाइम कैसे करे? इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। नहीं समझ आता कि तुम मुझे गालियां देने को दिल करता है कि इमरान खान क्या कर रहा है बैठा लूटने के अलावा खाली, जिसने भी इसको बुलाया ना बंदा, इनको उतारे और आम अमाम से कोई बंदा जो है ना वो खड़ा करे और उसको करे। और पता नहीं जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की हालत दुरुस्त होगी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की हालत अभी 10 सालों में दुरुस्त नहीं हो सकती है। घबराना नहीं, कई बड़े घबरा गए थे बीच में, घबराना नहीं। जब मैं अपनी टीम को बताया करता था, अपनी मैं टीम को, क्योंकि मेरी जब नए नए खिलाड़ी आते थे ना हमारी टीम में, तो मैं उनको बताता था कि जब हम हारते हैं ना तो घबराना नहीं। मैंने उनको बताया कि नंबर 1 तो अगले दिन के अखबार ना पढ़ो, क्योंकि एक तो आप ग्राउंड पे फेंटा लगाना है तो खा के आए हो, और अगले दिन अखबार में जरूर पढ़ना कि कितनी बुरी तरह आपको मार पड़ी थी, तो अखबार ना पढ़ा करो। दूसरी सालगिरह आर्मी पब्लिक स्कूल की। इमरान खान ने पीएम बनने से पहले कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगूंगा। खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। यार जो बंदा हर बात में भीख मांगता है, बाहर से कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, कर्जे ले लो। तो क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, 30 साल से सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में, सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने। हम खबर से आपको आगाह करेंगे, इमरान खान ने 3वीं शादी कर ली है। खानदानी जराए ने कैपिटल टीवी को तस्दीक कर दी है, इमरान खान की 3री अहलिया का नाम बुशरा मानिका है, वो 5 बच्चों की माँ है। ये तस्वीर का जाप कर रहे हैं, मजाक नहीं समझे। इनकी बेगम ने कहा है कि वो बैठा हुआ एक और बेवकूफ आदमी, उस पे यहाँ से टुन टुन करते जाओ, वो उस पे शैतानी ताकतें आ जाएंगी और वो तुम्हें को पैसा दे देगा। और यही होता है एक तो आपने इससे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे करते हुए देखा? मतलब आपका अनुभव भी बड़ा है, कभी देखा? हैव यू सीन एनीवन? नेवर। ये
दुनिया की सियासत उस गटर में गिर गई है। ये दिख रहा है ना आपको? मुझे पता है क्या कर रहा है ये गोल गोल जो घुमा रहे हैं। हाँ हाँ, हम मुसलमान हूँ मैं जी। ये सब मुसलमानों को पता होगा ये क्या कर रहा है वहाँ। लाहौल वाला पढ़ रहा होगा, लाहौल वाला कुवत है। ठीक है, लाहौल वाला पढ़े पढ़े, शैतान है वो। लेकिन 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 उसका बाप है। कर रहे हैं पाकिस्तान में तरह तरह की चीजें, भैंसे बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं ताकि इकोनॉमी ठीक हो जाए। अरे साहब, गधे बेचने की कोशिश की इन्होंने, वो चीनियों ने कहा हर आप ना सिर्फ गधे बेचे, गधों की कमी हो गई वहाँ। मैंने कहा चीनियों को पता ही नहीं है कि असली गधे कहाँ हैं। जो गवर्नमेंट इमदाद दे रही है आपको कुछ मिला उसमें से? लोला मिला, बाकी तो बाकी और कुछ नहीं मिला। हमारे साथ आप क्या कहेंगी फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से? आप बता तो रहे हैं आपको ये टू वे ये चलना चाहिए फिल्टर। अच्छा। हम वहाँ से सामने कब से नहीं चल रहा? जो इमरान आया जब से नहीं चल लिया। अच्छा। हाँ, ये भी इमरान खान साहब का कसूर है? हाँ कसूर है उसका, उनने बंद करा। दो ही आदमी 18 घंटे काम कर रहे हैं, एक वीना मलक और रहमान मलक। शर्ट मुझे बनाया गया मेरे लिए, मैं भोला नहीं हूँ इतना जितना आप समझ रहे हैं। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी, सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। शेख रशीद को अपना चपरासी भी नहीं बनाऊंगा, ऐसे कहने वाले इमरान खान ने शेख रशीद को डायरेक्ट पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बना दिया। खासा आप आजाद कश्मीर की तरफ बढ़े, अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास हर तरह का मसाला है, आप आए सही। इमरान खान ने शेख रशीद जैसे कॉमेडी मंत्री को पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बना दिया है। शेख रशीद इतना ठरकी आदमी है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। शेख रशीद को हमने ठरकी क्यों बोला ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो मिस मत कीजिए। इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला वीडियो हम किसके ऊपर बनाए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।